नमस्कार किसान भाइयों किसान भाइयों हम अपने लगभग सभी फसलों में कोई ना कोई स्प्रे करते ही हैं चाहे वह कीटनाशक हो चाहे फफूंदी नाशक हो या खरपतवार नाशक हो या कोई भी खाद या माइक्रोन्यूट्रिएंट हो हमें अपनी फसल में कोई ना कोई, कोई स्प्रे करना ही होता है लेकिन कई बार अज्ञानतावश या भूलवश कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिसकी वजह से हम अपनी फसल में स्प्रे का पूरा फ़ायदा तो ले ही नहीं पाते उल्टा कई बार स्प्रे की वजह से कुछ दुष्परिणाम हमारी फसल में देखने के लिए मिल जाते हैं कई बार स्प्रे में की गई गलतियों की वजह से हमारी फसल पीली पड़ जाती है झुलस जाती है यानी हमारी फसल में स्कोरचिंग की समस्या देखने के लिए मिल जाती है किसान भाइयों इस वीडियो में आज हम आपको 10 ऐसे पॉइंट के बारे में जानकारी देंगे जिनका ध्यान अगर आप अपनी फसल में स्प्रे करते समय रखेंगे तो आप स्प्रे से पूरा फ़ायदा तो ले ही पाएंगे साथ में साथ स्प्रे द्वारा होने वाले दुष्परिणामों से भी बच पाएंगे किसान भाइयों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो किसान भाइयों सबसे पहला पॉइंट होता है खेत में नमी बनाए रखें किसान भाइयों जब भी आप अपने खेत में कोई भी स्प्रे करें उस समय आपके खेत में नमी का होना आवश्यक है क्योंकि जब खेत में नमी होगी तो जो भी आप स्प्रे करेंगे उसका संचार पौधे में अच्छी तरह हो पाएगा और आपका स्प्रे का रिजल्ट पूरा मिलेगा तो स्प्रे के समय खेत में नमी का होना सुनिश्चित अवश्य करें किसान भाइयों दूसरा पॉइंट है स्प्रे करने का समय किसान भाइयों स्प्रे करने के समय लेकर हमारे किसान भाइयों में अक्सर कर मतभेद रहता है हमारे कुछ किसान भाई कहते हैं कि दोपहर से पहले स्प्रे करना चाहिए कुछ कहते हैं कि दोपहर के बाद स्प्रे करना चाहिए और कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमें दोपहर के समय स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों स्प्रे करने का सही समय वह होता है जब आपके खेत में ओस न हो और आपके खेत में ज़्यादा मात्रा में धूप न हो यानी कि ओस के समय और दोपहर के समय आपको अपने खेत में स्प्रे करने से बचना है किसान भैया क्योंकि ओस के समय अगर आप खेत में स्प्रे करेंगे किसान भैया आप जो भी स्प्रे करेंगे तो वह ओस में मिलकर हल्का पड़ जाता है इसके अलावा ओस के साथ मिल जाने की वजह से वह भूमि पर गिर जाता है जिस वजह से हमें अपने खेत में स्प्रे का पूरा रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलता इसके अलावा किसान भाइयों अगर आप ज़्यादा धूप में स्प्रे करते हैं तो उसमें जो स्प्रे में पानी होता है वह जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है और दवा जो है आपके पत्तों पर रह जाती है और ज़्यादा गर्मी की वजह से आपकी फ़सल के पत्तों पर स्कोरचिंग आ जाती है आपके फसल के पत्ते कई बार पीले पड़ जाते हैं या झुलस भी जाते हैं तो स्प्रे करते समय आपको समय का सही चुनाव करना आवश्यक होता है स्प्रे करने के लिए आप या तो ओस उतरने के बाद और दोपहर से पहले स्प्रे कर सकते हैं या सबसे अच्छा तो दोपहर के बाद स्प्रे करना ही अच्छा रहेगा किसान भाइयों अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की और तीसरा पॉइंट है किसान भाइयों किसान भाई हमने यह सुना होता है कि हमें अपने हर स्प्रे के साथ स्टिकर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है किसान भाइयों ज़्यादा गर्मी या धूप के समय आपको अपनी फसल में स्प्रे करते समय स्टिकर लेना आवश्यक नहीं है स्टिकर का प्रयोग आपको उसी अवस्था में करना चाहिए कि जब आपको लगता है कि स्प्रे करने के कुछ घंटों के अंदर अंदर बारिश होने की संभावना है केवल उसी कंडीशन में आप अपने स्प्रे में स्टिकर का प्रयोग करें अन्यथा नहीं क्योंकि इस स्टिकर के प्रयोग से आप जिस भी दवा का स्प्रे करते हैं वह ज़्यादा समय तक पत्तों पर चिपकी रहती है और जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस अवस्था में हमारी फसल के पत्ते झुलसने के चांस बन जाते हैं किसान भाई चौथा पॉइंट है कि जब भी हम अपने खेत में स्प्रे करें तो उस समय हमें स्प्रे में ज़्यादा संख्या में दवाइयाँ नहीं मिलानी चाहिए कई बार ज़्यादा संख्या में दवाई मिलाकर स्प्रे करने से भी हमारी फसल पर पीलापन या स्कॉर्चिंग आ जाती है किसान भाइयों इसके अलावा आपको एक बात का ध्यान तो रखना ही है कि जब भी आप फफूंदनाशक और कीटनाशक को एक साथ मिलाकर स्प्रे करते हैं तो उसके साथ कोई भी टॉनिक या कोई भी फर्टिलाइज़र चाहे वह एन हो या यूरिया हो या कोई भी और अन्य फर्टिलाइज़र हो उसका प्रयोग फफूंदनाशक और कीटनाशक के साथ न करें ऐसा करने से आपको अपने स्प्रे का पूरा रिजल्ट तो देखने के लिए मिलेगा ही नहीं इसके अलावा कई बार नुकसान हो जाता है किसान भाइयों पाँचवा पॉइंट है कि जब भी आप दवाओं को घोलें तो उनका घोल पहले अलग अलग बनाएं और उनको अच्छी तरह से घोलें तब उस घोलों को आप उसमें मिलाकर घोलें क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे डब्लू पी और ई सी जो फॉर्मूलेशन वाली जो दवाइयाँ होती हैं वह थोड़ी गाढ़ी होती हैं और कई बार वह घोल के नीचे बैठ जाती हैं अच्छे से नहीं घुल पाती हैं तो उनको अलग अलग घोलें और किसान भाइयों कोशिश तो आपको ये करनी है कि अगर आप डब्लू पी या ई सी फॉर्मूलेशन वाली दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं जिन जिन दवाओं के टेक्निकल के आगे डब्लू पी या ई सी फॉर्म लिखा रहता है उन दवाओं को जब भी आप घोलते हैं तो उनको ज़्यादा पानी में घोलें और अलग ही घोलें क्योंकि ये थोड़ी देर से घुलती है और कई बार गाढ़ा सा पेस्ट बना लेती हैं और घोल में अच्छे से नहीं घुल पाती नीचे बैठ जाती हैं किसान भाइयों अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में और किसान भाइयों अगला पॉइंट है कि जब भी हम कोई स्प्रे करते हैं तो उसमें दवा की डोज के साथ पानी की डोज भी आपको बताई जाती है तो आपको पानी कम नहीं लेना है बताई गई डोज ही पानी के लिए क्योंकि जब हम कई बार हम ज़्यादा मेहनत से बचने के लिए कम पानी ले लेते हैं जिसकी वजह से हमारी फसल में पीला पान आ जाता है या हमारी फसल झुलस जाती है तो आपको पानी कम नहीं लेना है आपको बताई गई मात्रा में ही पानी लेना है किसान भाइयों अगला पॉइंट है कि जब भी आप दो या तीन दवाओं को आपस में मिलाते हैं और अगर आपको पता है कि इन दवाओं को आपस में मिलाना सही रहता है तो उनको आपस में आप बेधड़क मिला सकते हैं अगर किसान भाइयों आप नहीं जानते कि इनको आपस में मिलाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसके लिए किसान भाई किसान भाइयों उन दवाओं को आप पहले थोड़ी मात्रा में लेकर आपस में मिला कर देख सकते हैं आपस में मिलाने पर वह घोल फटना नहीं चाहिए या एक दवा दूसरी दवा के नीचे नहीं बैठनी चाहिए या इसके अलावा किसान भाइयों जिस पात्र में आप दवाओं को घोल रहे हैं उस पात्र को बाहर से छू कर देखें वह पात्र गर्म नहीं होना चाहिए किसान भाइयों अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपको उन दवाओं को आपस में मिलाकर स्प्रे नहीं करना चाहिए ऐसा करने से भी आपकी फसल पर नुकसान देखने के लिए मिल सकता है किसान भाइयों अब बात करते हैं आज के अगले पॉइंट के बारे में और अगला पॉइंट है किसान भाइयों कि जब भी आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज में हो जब भी आपकी फसल में फूल बन रहा हो उस अवस्था में आप अपनी फसल पर किसी भी फंगेसाइड या कीटनाशक का स्प्रे न करें क्योंकि उस समय अगर आप कोई भी इस तरह का स्प्रे करते हैं तो हमारी फसल में मधुमक्खियों का आना बंद हो जाता है जिस वजह से हमारी फसल में प्रांगण अच्छे से नहीं हो पाता अगर आप उस समय स्प्रे करेंगे तो उस समय स्प्रे करने से आपकी फसल की फंगस रुक जाएगी या आपकी फसल के की कीट रुक जाएंगे लेकिन आपकी फसल की पैदावार कम हो जाएगी तो किसान भाई आपको याद रखना है कि जब भी फ्लावरिंग स्टेज पे हो उससे पहले ही आप किसी भी सिस्टमेटिक फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं ताकि फ्लावरिंग स्टेज पर आपको कोई कीटनाशक या फफूंदनाशक का स्प्रे करने की आवश्यकता न पड़े और आप अपनी फसल से अच्छी पैदावार ले सकें किसान भाइयों आज का लास्ट पॉइंट हमारे सभी किसान भाई जानते ही हैं आज का लास्ट पॉइंट है किसान भाइयों कि जब भी आप बाज़ार से कोई भी प्रोडक्ट लेकर आएँ तो उसकी एक्सपायरी डेट अवश्य चेक करें क्योंकि कई बार हमारे किसान भाई जल्दी में कोई भी दवा या खाद ले आते हैं और उसकी एक्सपायरी डेट चेक नहीं करते जिस वजह से भी हमें अपनी फसल में स्प्रे का पूरा रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलता तो किसान भाइयों अगली बार जब भी आप स्प्रे करें तो इन सब बातों का ध्यान रखें और किसान भाइयों अगर आप नहीं जानते हैं कौन सी दवा किस दवा के साथ मिलाई जा सकती है तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं आपके कमेंट का बिल्कुल उत्तर दिया जाएगा आप किसी भी दवा के बारे में पूछ सकते हैं किसान भाइयों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें धन्यवाद